मैं अयूब खान, ARS न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। शहर हैदराबाद में रैप सॉन्ग्स का जोशो खरोश काफ़ी देखने को मिल रहा है। इसी तरह से शहर हैदराबाद के एक नौजवान जिनका नाम आफात खान है, उन्होंने भी अपना हुनर आवाम के सामने जाहिर किया है। एक ऐसे छुपे हुए कलाकार जिसे सुनकर और देखकर उम्मीद करता हूं कि आप भी मचल जाएंगे इनका ये गाना सुनकर। इन्होंने एक रैप सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, इस एल्बम का नाम है सपने मेरे साथ है। तो सपने मेरे साथ है, अपने भी खिलाफ चलने वालों को दिखा दूं क्या है उनकी औकात। मेरे सपने मेरे साथ है, अपने भी खिलाफ चलने वालों को दिखा दूं क्या है उनकी औकात। सब कहते थे मैं कुछ नहीं काम का, ये जमाना तो है एक नाम का। एक ऐसा दिन लाऊंगा, नाम अपना बनाऊंगा, जो मुझसे सड़ते थे आज उनको मैं दिखाऊंगा। ये पैसा ये दौलत तो है नाम की, पब्लिक है कमाल की, जो पैसा दे उससे ठुकती है सलाम जी। सही बोला। आइए हम बात करते हैं आफात खान से, जो कि हमारे साथ है। और भी हमारे साथ मीडिया आई हुई है, दूसरी मीडिया भी आई हुई है, जो इनका इंटरव्यू लेना चाहती है कि किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया। और आफात खान, अभी आपके सामने मीडिया का ये सवाल है और शायद मैं समझता हूँ आवाम का भी सवाल है कि आपको किस बेस पे आपने गाना रिकॉर्ड किया, मतलब सपने मेरे साथ, आपको किस अपने दिमाग में किस तरह की सोच है क्या बनाना है ये गाना? जो है मैं दो लोगों के हिसाब में बनाया हूँ। एक तो वो है जो जिसके पास टैलेंट बहुत होता है वो घर पे बैठते हैं, ये जिसके पास टैलेंट है तो मीडिया के थ्रू बता सकता है। सोशल नेटवर्क है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं आप अपने सपने सच कर सकते हैं। ये मत सोचिए कौन आपके खिलाफ है। जैसा कि मैंने गाने में कहा, सपने मेरे साथ है, अपने भी खिलाफ, जलने वालों को दिखा दे क्या है उनकी औकात। खिलाफ जलने वालों को दिखा दूं क्या है उनकी औकात, मेरे सपने, वही इस तरीके के ऊपर लिखा हूं। और आपने इस गाने में बार बार औकात का वर्ड यूज किया है, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये है कि अगर कोई इंसान आगे बढ़ता है तो उसे रोका जाता है, टॉर्चर किया जाता है, अरे यार ये मत कर, क्या कर रहा है, काम बेकार काम है, कभी आगे नहीं बढ़ेगा, अभी घर की बदनामी होगी बोलते हैं। वो सब लोगों को बताना है कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, मैं कर सकता हूँ, उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए। अब पब्लिक आपका एक गाना देखना चाहती है, सपने मेरे साथ है, अपने भी खिलाफ है। मैं समझता हूँ हर नौजवान के ऊपर ये गाना सूट होता है, क्योंकि इसके बीट्स और अल्फाज इस तरह है कि हर नौजवान पर ये गाना सूट होता है। तो आप नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नौजवानों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यही मेरा मैसेज है, जो आपके पास टैलेंट है वो दुनिया के सामने बताइए और एक दिन आपके सपने सच हो गए। आवाम बहुत ही ख्वाहिश के साथ आपके इस रैप सॉन्ग को देखना चाह रही है, तो आवाम को क्या करना पड़ेगा आपका गाने के लिए? मेरा सॉन्ग जो है यूट्यूब पर अपलोड किया गया है, उस पर सर्च कर सकते हैं आप, आफात खान ऑफिशियल पर, जो कि अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये म्यूज़िक कंपोज कौन करे और किसने इसको कंपोज किया बता सकते हैं आप? म्यूज़िक कंपोजिंग आदिल बख्तावर की है। आदिल बख्तावर जो है बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर है, उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया है, बहुत अच्छी तरीके से किया है, बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो गए मेरे। जो भी आपके ख्वाहिश है, सपने हैं, उन्हें पूरा कीजिए। ये मत सोचिए कि कौन आपके खिलाफ है, बस ये सोचिए आपका रब आपके साथ है। पैसे से नहीं होता सब कुछ, कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा, जो जलता था उसको मैं जलाऊंगा। सबसे मेरी शक्ल से नहीं, नकल नहीं है किसी की मेरी, अभी भी नहीं हुई है देरी, छोड़ दे करना हेरा फेरी, इधर उधर की करना चुगली, दिल में है जो सब बता दूं, पॉप क्या है पब्लिक को बता दूं, शब्दों में मैं आग लगा दूं, असली पॉप हैदराबाद को मिला दूं। हाँ साथियों, ये थे आफात खान हमारे साथ, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा एक रैप सॉन्ग किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये गाना आपको देखने के बाद बहुत पसंद आएगा। मैंने बहुत मेहनत की, आप लोग देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे और रैप सॉन्ग निकालूंगा जो हैदराबाद के इतिहास में लिखे जाएंगे, बहुत ही अपने हैदराबाद शहर का नाम भी होगा। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, देखिए मेरे सॉन्ग यूट्यूब चैनल पर, आफात खान ऑफिशियल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आफात खान और मैं मौजूद हूँ ARH न्यूज़ और 4K न्यूज़ में। सबसे पहले जिन्होंने मेरा सॉन्ग नहीं देखा वो यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए आफात खान ऑफिशियल, मेरा गाना देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बगैर आपके सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं मीडिया के थ्रू आना चाह रहा हूँ, मेरे पास का जो अंदर जो टैलेंट है वो दिखाना चाह रहा हूँ।